हेलो दोस्तों, वेलकम टू DMLT यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ साकू सैनिक। दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हों। दोस्तों हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और केमिकल पैथोलॉजी पे कुछ दिनों से वीडियो बना रहे हैं, क्वेश्चंस पे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो MLT के स्टूडेंट हैं उनके लिए। देन ये 5 ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, तो आपके लिए एग्जाम में हार्मफुल होंगे, जो 10 से 15 जून के बीच में होने वाली एग्जाम है। देन ये फिर से केमिकल पैथोलॉजी के क्वेश्चन हैं एंड हेमेटोलॉजी के भी हैं, मिक्सिंग के हैं। और जो आपको इनकी जो PDF है, नोट्स वगैरह है, और यो नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। देन नोट्स PDF है, ये सब अवेलेबल कर लीजिए। और देन अगर आपके पास खुद के सेल्फ नोट्स हैं तो उनसे भी स्टडी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का काफ़ी कम टाइम बचा है। देन अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Describes the methods of blood collection anticoagulants used in different types of vacutainer system के बारे में, कि जो anticoagulants है उसके बारे में बताना है। देन जो vacutainers है उसके बारे में बताना है कि vacutainer कितने टाइप्स के होते हैं, ये 5 टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से किसके अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता है। एंड anticoagulants के बारे में भी हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि ये 5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए, देन 10 नंबर के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सीमेन एग्जामिनेशन के बारे में, कि सीमेन एग्जामिनेशन क्या होता है, इसकी केमिकल सिग्निफिकेशन बतानी है। देन इसकी जो सैंपल है वो किस सैंपल बताना है, इसका जो लिक्विफिकेशन टाइम है वो बताना है, वॉल्यूम बतानी है, एंड का प्रोसीजर है वो बताना है, रिक्वायरमेंट रिएजेंट वगैरह, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करनी है सीमेन के बारे में, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हमें 20 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, देन 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन इन द डिटेल्स इन द डिटेक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ बोन मेरो एग्जामिनेशन के बारे में, कि जो बोन मेरो एग्जामिनेशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आपको बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा। हमें बोन मेरो एग्जामिनेशन के बारे में ये लिखना है कि इसकी केमिकल सिग्निफिकेशन लिखनी है। देन इसका जो इसकी जो टाइम है वो लिखना है, इसका स्पेसिमैन है वो लिखना है, इसका प्रोसीजर लिखनी है, ऑब्जर्वेशन लिखनी है। देन इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी कंडीशन होती है, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब वेरिएशन मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन अलोंग विथ देयर इन मेस्टिरेस्ट एंड स्केनिक डिमेरिस्टर। इसका मतलब ये होता है कि जो केमिकल सिग्निफिकेशन, जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन है उसके बारे में समझाना है, कि हीमोग्लोबिन एग्जामिनेशन हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में बताना है कि ये टेस्ट कितने मेथड से किया जाता है। ये हीमोग्लोबिन मेथड्स टू टाइप से किया जाता है, डार्बगनेस रिएजेंट और ये जो अपना डार्बनेस रिएजेंट को साइनोवेट रिएजेंट भी बोलते हैं, एंड जो साहिली मेथड्स है इनसे भी किया जाता है। हमें इनकी अच्छे से बताना है, केमिकल सिग्निफिकेशन बतानी है, प्रोसीजर बतानी है, रिक्वायरमेंट्स बतानी है, हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब यही होता है कि केमिकल सिग्निफिकेशन के बारे में। देन कुछ शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है वो देखते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन को। स्टोरेज ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में, कि स्टोरेज ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में बताना है कि हम ब्लड को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और हर चीजों को अंडरलाइन के थ्रू करना है। हम ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से एंड फिर ब्लू पेन से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि एग्जामिनर हर चीज को देखता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आरबीसी पिपेट क्या होती है, इसका यूज किस तरीके से करते हैं, लेबोरेटरी के बारे में। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आरबीसी पिपेट पूछ रहा है, तो आई होप हमें WBC पिपेट भी पूछ सकता है, तो दोनों को याद रखनी है, आरबीसी पिपेट एंड WBC पिपेट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती है। देन नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स के बारे में, कि न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, तो हमें ये न्यूट्रोफिल्स ये WBC के कुछ साइड WBC के हैं, WBC के पार्ट्स है, तो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स के बारे में पूछ सकता है, न्यूट्रोफिल्स के बारे में पूछ रहा है, तो इसिनोफिल्स के बारे में भी, बेसिफिल्स हैं उनके बारे में भी, और लिम्फोसाइट्स है, बेसोफिल्स को हम इंक्रीज मास्ट सेल्स भी बोलते हैं, तो इनको अच्छे से स्टडी करनी है, क्योंकि हमें इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसाइट्स के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। देन मेजर क्रॉस मैच एंड माइनर क्रॉस मैच के बारे में भी बताना है, ये जो मेजर क्रॉस मैच एंड माइनर क्रॉस मैच है इनके बारे में अच्छे से स्टडी करनी है, हर चीज़ को, इसका ऑब्जर्वेशन भी अच्छे से बताना है, इसकी केमिकल सिग्निफिकेशन बतानी है, स्पेसिमैन बताना है, प्रोसीजर बताना है, और लास्ट में ऑब्जर्व करना है। देन अच्छे से हर चीज़ों को एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ACE और TEC के बारे में बताना है, यानी एस्टिमेशन इसिनोफिल काउंट के बारे में बताना है।
इसके बारे में हमें इसका जो केमिकल सिग्निफिकेशन है वो बताना है, इसका सैंपल बताना है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो बतानी है, देन इसकी जो प्रोसीजर है, रिक्वायरमेंट है, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, एंड देन लास्ट में लिखनी है इसका ऑब्जर्वेशन कि क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं रेटिकुलोसाइट्स स्टेनिंग प्रोसीजर या फिर रेटिकुलोसाइट्स काउंट के बारे में। हम इस जो ये रेटिकुलो स्टेनिंग प्रोसीजर है इसको दूसरे नाम से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि सुप्रावाइटल स्टेनिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसके अंदर जो रिएजेंट काम में लिया जाता है वो सुप्रावाइटल स्टेनिंग रिएजेंट होता है। तो हमें रेटिकुलोसाइट्स की केमिकल सिग्निफिकेशन बतानी है, हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, देन लास्ट में इसका जो ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। हम ऑब्जर्वेशन की जगह रिजल्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट ऑब्जर्वेशन से एग्जामिनर कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा एग्जामिनर मतलब कि ज़्यादा अच्छे से प्रभावित होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कुछ अलग ही हटके रहता है। रिजल्ट लिखेंगे तब भी चल जाएगा, बट हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं स्केलेटिंग सिस्टम या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ये सब एक ही बात है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर स्केलेटिंग सिस्टम टेस्ट भी मिल सकता है देखने को, स्क्रीनिंग टेस्टिंग भी मिल सकता टेस्ट भी मिल सकता है, सिकल सेल एनीमिया भी। तो ये तीनों एक ही बात है, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करने की इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर वैसे यही होता है कि जो आरबीसी की सेल्स होती है, वैसे तो बाइकॉनकेव सेल्स यानी सेल्स होती है, देन सेप होती है, और इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, वो सेप चेंज होकर क्रिस्ट सेल हो जाती है, यानी कि जो अपनी दरा वो नहीं आती मून सेप उसकी तरह हो जाती है, ये सिकल सेल एनीमिया होता है। तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन वगैरह है, केमिकल सिग्निफिकेशन है, रिएजेंट क्या क्या काम में लेते हैं, देन प्रोसीजर वगैरह, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में, कि ब्लड ग्रुप के वेरियस टाइप्स के बारे में बताना है कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स का होता है, तो अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीवर ब्लड ग्रुपिंग या फिर सीरम टाइपिंग, बैक टाइपिंग या फिर इनडायरेक्ट टाइपिंग या फिर सीरम टाइपिंग, ये सब एक ही बात है, इनके बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग से भी पूछ सकता है, सीरम टाइपिंग से भी पूछ सकता है, बैक टाइपिंग से भी, और इनडायरेक्ट टाइपिंग एंड सीरम ग्रुपिंग के बारे में भी पूछ सकता है। तो हमने ये जितने भी 8-9 क्वेश्चंस हैं इनके बारे में अच्छे से एक बार देख लिया कि हमें किस तरीके से पेपर क्वेश्चंस को करना है, देन आपको इनकी अच्छे से स्टडी करनी है, हर क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। देन अगर आपने हमारे पिछले जो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि उनके अंदर भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।